नमस्कार दोस्तों, YouTube के अमित साइंस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम SSC और SSC GT और LLB के लिए स्पेशल क्लास चला रहे हैं। जो देखिएगा दोस्तों, जो विभिन्न कारकों से होने वाले उत्पन्न रोग के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। तो चेचक जो किससे होता है, वायरस। चेचक किससे होता है, वायरस। तो वायरस किसको कहा जाता है, वायरस विषाणु को बोला जाता है, ठीक है, विषाणु को, ठीक है। तो वायरस से क्या होता है, चेचक रोग, ठीक है। और जुखाम होता है वायरस से ही होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से ही होता है, ठीक है। खसरा भी वायरस से होता है, ठीक है दोस्तों। डेंगू ज्वार किससे होता है, वायरस से ही होता है। और मेनिनजाइटिस रोग वायरस से ही होता है। इबोला भी वायरस से ही होता है। एड्स भी वायरस से होता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, वायरस इसको विषाणु बोला जाता है, ठीक है। चिकनगुनिया भी वायरस से ही होता है। कंजंक्टिवाइटिस वायरस से यानी विषाणु से ही होता है। देखिएगा दोस्तों, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को बोला जाता है जीवाणु भी बोला जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है, जीवाणु भी बोला जाता है। तो बैक्टीरिया से क्या कौन सा रोग होता है, टिटनस भी होता है। हैजा भी बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, जीवाणु से, ठीक है। और टाइफाइड भी होता है बैक्टीरिया से। तपेदिक भी बैक्टीरिया से होता है। डिप्थीरिया भी होता है बैक्टीरिया से होता है, ठीक है दोस्तों। और गोनेरिया रोग भी किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। और काली खांसी किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। निमोनिया बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, जो फेफड़ा में होता है। और कुष्ठ रोग किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, ठीक है दोस्तों। आइएगा देखते हैं, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है। प्रोटोजोआ से देखिए मलेरिया होता है, ठीक है। और पायरिया भी होता है जो दांत में, ठीक है। और सोने की बीमारी, जो लोग बहुत अधिक सोते हैं इसी के कारण होता है, ठीक है। और पेचिस भी होता है, इसी के कारण होता है, ठीक है, प्रोटोजोआ के ही कारण होता है। कालाजार भी इसी के कारण होता है, प्रोटोजोए से। डायरिया भी होता है इसी के कारण, प्रोटोजोए के कारण। और फाइलेरिया भी होता है, फाइलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। फफूंदी रोग इसी से होता है, प्रोटोजोए से। और दम्मा खाज खुजली, जो दम्मा खाज दाद बोल जाएगा, जिसको दीना बोला जाता है, किससे होता है, प्रोटोजोआ से ही होता है। खसरा नहीं होगा, खसरा तो होता है वायरस से, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, थैंक यू।